वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टिप पर दिल से स्वागत है। जी हाँ, हम आज बात करें कौन से ऐसे इजी रूट है पीआर के लिए और इवन सेटलमेंट के लिए जब आप अपने सपने यूके में पूरे कर सकते हो, जब आप अपने सपने पूरे कर सकते हो यहाँ पर रहकर। जी हाँ, जैसा कि आप ये पोलैंड देख रहे हो, मेरा एक साइट पर यूट्यूब चैनल और है गैरी बैकपैकर। यहाँ मैं आया हूँ उन सारे गृह माँ के बेटों के लिए पता करने के लिए कौन कौन सी स्किल की डिमांड है, वो किस तरह जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरे प्रे करें, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे लोग हो और आपकी वाइफ यूके में है, पर ये मासूम लड़के 8 और 10 भी नहीं पढ़े हैं। इनको विदेशों में सेटलमेंट करने के लिए मैं उनकी ताकत बनना चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। गाइज अगेन, वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। पहला यूट्यूबर हूँ ये यूके में 18 साल से रह रहा है और उस हर गरीब माँ के बेटे की आँखें बनना चाहता है जो बाहर बस कर अपने माँ को एक नया घर देना चाहते हैं। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहला रूट है जो सबसे सिंपल और ईजी रूट है, जहाँ पर मैंने भी ली थी पीआर 18 साल पहले जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर मैं आया था इंडिया पंजाब से, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। जी हाँ, जिसको टीयर 2 वीज़ा भी कहा जाता है, इसका बोलते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ये वो वीज़ा है जहाँ पर आप लोगों को 5 साल वर्क वीज़ा पर रहना पड़ेगा, आगे जाकर आप बड़े आराम से पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही फंड है, आपको जॉब ढूंढनी है और जॉब की सैलरी कितनी है मैंने ऑलरेडी आपके छोटे बच्चे की तरह गवर्नमेंट ऑफ यूके वेबसाइट जो बाइबल की तरह है वहाँ पर लेकर गया था, बताया था कि 20,480 पाउंड मिनिमम सैलरी चाहिए। अगेन गाइस, मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, मेरे चैनल पर वकील ने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उनके वीडियो जाकर देख सकते हैं। पर अगेन, गवर्नमेंट यूके वेबसाइट बाइबल की तरह आपकी सैलरी चाहिए मिनिमम 2480 और इसके लिए आपको 70 पॉइंट स्कोर करने, कैसे स्कोर करने हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आप 5 साल इस पर रहेंगे, आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा और आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। एक और मेथड है, वो है 10 ईयर रेजिडेंसी। जी हाँ, 10 ईयर रेजिडेंसी, जहाँ पर आप यूके में किसी भी वीज़ा पर रहते हो, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो ग्रेजुएट रूट है, एज लॉन्ग एज आप 10 साल रहते हो, जैसे मेरे कज़न रहा था, आप अपनी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की फाइल लगा सकते हैं। पर अगेन गाइस, उसके लिए 2 रूल हैं जो हर वीज़ा के लिए यूके में है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपने कोई बैंक के साथ कोई गफला ना किया, जैसे कोई लोन टाइम पर नहीं पे किया, तो क्रेडिट स्कोर भी होना उतना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, पुलिस रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, क्रेडिट स्कोर अच्छा रखेंगे और हर सारा यूके का लॉ फॉलो करेंगे। पर गाइस अगेन, वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, मेरा हाथ फ्रीज कर रहा है, अभी माल्टा से पोलैंड आया हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री है और मेरा हाथ बिल्कुल रेड हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दबा लीजिए। और एक बात और मेरे दिमाग में, जो भी लड़का कहीं भी सेटल होना चाहता है उसके लिए उसको CV और कवर लेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और उसके लिए वो मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकता है और मैं सेलिब्रेट करने 70K फॉलोअर्स, जहाँ पर मैं फ्री गिववे दूंगा CV को और कवर लेटर को। तो अगर आपने बनवाना है तो उसकी कॉस्ट 5,000 है और चेक सिर्फ CV करवाना है उसकी कॉस्ट 1,000 है। आप इंस्टाग्राम पर आकर अपने करियर की प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं, पर अगेन नो वीज़ा क्वेश्चंस आर अलाउड। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है यूथ मिल्टी स्कीम, जो कि शुरू होने जा रहा है January 2022 में और मेरे वकील ने बताया है उसके लिए आपको जो एज है वो 18 to 13 ईयर होनी चाहिए और उसके लिए कुछ लोग इंडिया से आएंगे यूके जो कि बगैर जॉब ऑफर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, और कुछ लोग बड़े आराम से यूके से इंडिया जाएंगे 2 साल का वर्क वीज़ा लेकर। जी हाँ, इन 2 साल में आप बिंदास होकर पैसा कमा सकते हैं और पैसा कमाने के बाद आप यहाँ पर अगर जॉब मिल जाती 2 साल में तो आप यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। तो ये हिस्ट्री पहली बार हुआ है, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिससे पहली बार हुआ है जब आप बिंदास होकर यूके फ्री वर्क वीज़ा ले सकते हो जहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अगेन, तो ये भी यूथ मिल्टी स्कीम, पर ये सिर्फ ओनली इंडियन लोग के लिए जो भारतीय लोग देश में बसना चाहते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, वह ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वो होता है जहाँ पर आप एक लीडर होते हो, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल होती है। जी हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल होती है तब आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई, या तो आपने बहुत सारा काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए होता ही, ये आर्ट्स कल्चर के लिए भी है, ह्यूमन के रिसोर्सेज के लिए भी है। यहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों हो। तो इसके लिए आपको यूके में इंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं, डिपेंड करता है आपकी इंडोर्समेंट बॉडी कौन सी है, आपको उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेंगी। और ये 2 तरह का होता है, हाई पोटेंशियल वीज़ा, एक्सेप्शनल मतलब कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत सारा मतलब कि टैलेंट होता है, चाहे वो डांसर भी है या म्यूज़िक भी है, तो वो 3 साल यहाँ पर रहते हैं अप्लाई कर। और प्रॉमिसिंग होते हैं जो लोग इन फ्यूचर में काफ़ी टैलेंट दिखाएंगे, जिनके पास प्रपोजल है, तो वो भी यहाँ पर 5 साल रहकर पीआर अप्लाई कर। तो अगेन, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाए, वो क्लियरली बताया गया आपको वहाँ पर,
आप लोग ग्लोबल टाइम्स वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे चैनल बहुत सारे वीडियो वकील के भी हैं और वकील ने खुद बताया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, ना मैं कोई वकील और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। जी हाँ, इसके लिए यूके ने शुरू करने जा रहे हैं 3 नए स्प्रिंग वीज़ा, जो आपको पता है आप बहुत खुश नसीब हो। शुरू होंगे 3 वीज़ा जिस पर मैंने वीडियो अलग बनाया है। वो है एक स्केल अप वीज़ा, जहाँ पर आपकी सैलरी 33,000 पाउंड होगी। आपके एम्प्लॉयर को शो नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको क्यों ले रहा है और वो आपको बड़े आराम से ले सकते। जी हाँ, ये बहुत पहली बार हुआ है। इन्होंने मोटिवेट किया है कंपनी को फॉरेन वर्कर्स लेने के लिए। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, जो कि बहुत ही नाइस आदमी है। तो गाइस, आप क्या सोच रहे हैं, स्प्रिंग जो है 22 अप्रैल में ही आ रहा है और दिसंबर आ गया, 3-4 महीने बाद। आप प्लीज़ कीप आई और हमें चैनल पर, और मेरा वकील बताएगा मेरे चैनल पर आकर कि आप लोग किस तरह स्केल अप वीज़ा अप्लाई कर सकते। बिकॉज ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना वकील, ना मेरा उसका जॉब है और ना ही मेरा उसका वीज़ा। इसके अलावा एक और रूट शुरू होने जा रहा है, वो है हाई इंडिविजुअल्स पोटेंशनल रूट। जी हाँ, ये नदर उनके लिए शुरू होने जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा बहुत ही क्लियरली, स्प्रिंग 2022 में इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसलिए शुरू होने जा रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ बताया गया बहुत ही क्लियरली, कोई भी आदमी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री ग्रेजुएट करता है, उसके पास पैसे नहीं है, मानते हो हमारा बिहार का है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश नेपाल से है, बॉम्बे से है, उसके पास डिग्री है, पैसा नहीं है, वो फ्रेशर है, उसको लॉ किया जाएगा, वो यूके में आकर जॉब ढूंढ सकता है। और अगर जॉब मिल जाती तो यूके में आकर वो सेटलमेंट हो सकता है, जिसको बोलते हैं हाई इंडिविजुअल रूट वीज़ा। इसके लिए मैं क्लैप करूँगा उन सब लड़कों के लिए, क्लैप करूँगा जो लड़के मेहनती है, लड़कियाँ मेहनती है, जो बाहर आकर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। गाइस अगेन, ये पीछे पोलैंड है, वर्षा है, मैं यहाँ भी बैठकर आपकी केयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को दिल खोल कर लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर। अगेन, इंस्टाग्राम पर आकर अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं और 1-to-1 प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, पर अगेन नो वीज़ा को सर अलाउड। इसके अलावा एक और शुरू होने जा रहा है, जिसको बोलते हैं बिजनेस मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी कोई भी कंपनी इंडिया में है, उसको अपने एम्प्लॉयर को यूके भेजना चाहती है ट्रेनिंग के लिए, या उसका कुछ बिजनेस यूके में भी है, तो उनके लिए ये है कि बहुत इजी हो गया है, आप अपने एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। पर इसके अभी गाइडेंस नहीं आई, हमें वेट करनी पड़ेगी। पर ये बजट नवंबर 2021 में इसको अनाउंस किया गया है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है गाइस, आप भी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएं और तीनों वीज़ा को देखें, क्योंकि तीनों वीज़ा पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब जो भी नया लड़का लड़की कहीं से भी आना चाहते हैं, उनके सपने पूरा करने के लिए बोरिस जॉनसन ने और भी दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये था आज का वीडियो, बताना चाहूँगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो दिल को अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो दिल खोल के लाइक करना। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ आप लोगों को मोटिवेट करूँगा कि आप लोग विदेश में कैसे बच सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे हाथ पर हाथ रखकर, कि आप सीवी कवर लेटर बनाओगे और आप अपना हौसला नहीं छोड़ोगे और आप भी इसी तरह मेहनत कर आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।